देखिए, जब भी हम लोग कंप्यूटर की बात करते हैं, तो कंप्यूटर में जब हम डेटा को इनपुट कराते हैं, तो उसका रिजल्ट निकलता है। क्या होता है? रिजल्ट निकलता है। तो जब भी हम डेटा इनपुट कराएंगे, तो इनपुट कराने के लिए हम डिवाइस यूज़ करेंगे, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? इनपुट डिवाइस बोलते हैं। और जब हम रिजल्ट उसका देखते हैं, उसके लिए हम डिवाइस का यूज़ करते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? आउटपुट डिवाइस बोलते हैं। ठीक है, डिवाइस का मतलब यहाँ पे हो गया कि ये छोटा छोटा मशीन है। इसमें देखिए, इनपुट डिवाइस होता क्या है? जिसके थ्रू हम डेटा को इनपुट कराएं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इनपुट डिवाइस बोलते हैं। अब पहला नंबर होता है क्या? माउस। माउस एक आपका इनपुट डिवाइस है। इसमें लिखा हुआ है कि माउस इज ऑल्सो नोन एज पॉइंटिंग डिवाइस। ये पॉइंटिंग डिवाइस इसको बोलते हैं, और ये आपके एग्ज़ाम में आता है, है ना? आपके एग्ज़ाम में आएगा, माउस इज ऑल्सो नोन एज डैश डिवाइस। ठीक है, तो उसमें आपको पॉइंटिंग डिवाइस लिखना होगा, और द थ्री बटन्स ऑफ माउस आर। देखिए, यहाँ पर जिस तरह से ये माउस है, माउस में आपका थ्री बटन्स होते हैं। एक आपका यहाँ पर लेफ्ट बटन होता है, ये होता है आपका राइट बटन, और यहाँ पर एक आपका स्क्रॉलिंग बटन होता है। ठीक है, तो ये थ्री बटन्स होते हैं। लेफ्ट बटन किसके लिए यूज़ किया जाता है? किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। यहाँ पर देखिए, लेफ्ट बटन इज़ यूज़ फॉर सेलेक्टिंग ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के लिए लेफ्ट बटन का यूज़ किया जाता है। राइट बटन का यूज क्या करते हैं? तो राइट बटन का यूज़ हम लोग करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में यदि जानना हो, उसकी प्रॉपर्टी को जानना हो, उसके बारे में ऑप्शन ओपन करना हो, तो हम लोग राइट बटन का यूज करते हैं। यानी कि राइट बटन इज़ यूज्ड फॉर ओपन ऑप्शन अबाउट एन ऑब्जेक्ट, है ना? किसी ऑब्जेक्ट के बारे में यदि हमें प्रॉपर्टी जानना है, या कोई भी कॉपी करना है, कट करना है, पेस्ट करना है, तो ये सारा कुछ आपका किससे होता है? राइट बटन से होता है। नेक्स्ट हो गया आपका स्क्रॉल बटन। स्क्रॉल बटन, जैसे मान लीजिए कि आप डॉक्यूमेंटेशन तैयार कर रहे हैं, है ना, या न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, तो स्क्रॉल बटन से पेज अप एंड डाउन किया जाता है। तो स्क्रॉलिंग करने का काम क्या होता है? स्क्रॉलिंग का वर्क होता है पेज को आगे और पीछे, ऊपर नीचे, है ना, अप डाउन कराना। ठीक है, तो ये स्क्रॉल बटन इज यूज फॉर स्क्रॉलिंग ऑफ पेज अप एंड डाउन। अब देखिए, नेक्स्ट आपका आता है कीबोर्ड। कीबोर्ड क्या होता है? कीबोर्ड भी आपका एक इनपुट डिवाइस होता है। कीबोर्ड से हम लोग कोई भी डेटा इनपुट कराते हैं, है ना? और इसमें लिखा हुआ है, कीबोर्ड इज एन इनपुट डिवाइस विच फ्रॉम वी कैन इनपुट अल्फाबेट कैरेक्टर डिजिट्स ऑपरेटर्स स्पेशल सिंबल एंड यूज स्पेशल फंक्शन एंड स्पेशल कीज। स्पेशल कीज होते हैं। तो ये सारे चीज़, जैसे मान लीजिए कि अल्फ़ाबेट ए टू जेड, डिजिट्स 0 to 9, फंक्शन F1 से लेकर के F12 तक आपका फंक्शन की होता है। ठीक है, ये सारा कुछ आपके कीबोर्ड के अंदर होता है। ठीक है, अब कीबोर्ड में आपका जो कीज़ होता है, वो कीज़ के पास एक वैल्यू होता है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर A है, ये कीबोर्ड का एक की है, तो इसके पास एक अपना वैल्यू होता है, जिसको बोलते हैं 65, और हर एक की के पास अपना एक वैल्यू होता है, और जिसको बोलते हैं हम लोग आस्की कोड। आस्की कोड, ठीक है, जिसको बोलते हैं अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है, तो हर एक की का अपनी एक वैल्यू होगा, और वैल्यू के साथ साथ जैसे ही हम डेटा इनपुट कराते हैं, तो वो वैल्यू क्या होता है? कंप्यूटर में 0 और 1 के फॉर्म में क्या होता है? कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये सारा कुछ आपके इसमें दिया गया है कि कुछ जितने भी कीज़ होते हैं उसके बारे में, F1 से लेकर के F12 तक आपका फंक्शन की होता है, डिजिट्स होता है 0 से लेकर के 9 तक, स्पेशल कीज होता है जैसे कंट्रोल, शिफ्ट, टैब,
ऑल्ट एस्केप, ये सारे चीज़ आपके स्पेशल कीज हो गए। नेविगेशन की होता है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर नेविगेशन की है लेफ्ट राइट, जैसे आप कीबोर्ड में देख रहे होगे ये अप डाउन राइट लेफ्ट, ये आपका नेविगेशन की होता है। ठीक है, तो ये कीबोर्ड के बारे में हो गया। ठीक, तो ये सारे चीज़ आपके कीबोर्ड, तो ये आपका इनपुट डिवाइस हुआ। ठीक है, फिर नेक्स्ट में आते हैं ट्रैकबॉल बताते हैं। देखिए ट्रैक बॉल, ट्रैक बॉल के बारे में हम बताएंगे कि देखिए ये भी आपका कंट्रोलर का काम करता है, कर्सर कंट्रोलर का काम करता है। ये क्या करता है, जैसे माउस में देखे हो ना, माउस के नीचे आपका लाइट जलता है, है ना, वो लाइट आपका क्या होता है, एक ट्रैक बॉल का काम करता है। बहुत पहले क्या होता था कि माउस के नीचे एक छोटा सा राउंड सर्किल टाइप का, जिस तरह से आप एक सिक्का टाइप का नहीं होता है, उस तरह से राउंड सर्किल टाइप का आता था, तो वो ट्रैक बॉल का काम करता था, वो कर्सर को कंट्रोल करने का काम करता था। तो ये भी आपका एक इनपुट डिवाइस है। ठीक है, नेक्स्ट आपका हो गया बार कोड रीडर, बार कोड रीडर। ठीक है, ये बार कोड रीडर क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि मॉल्स एंड मल्टीप्लेक्स, जानते हो ना मॉल्स एंड मल्टीप्लेक्स में हम लोग क्या करते हैं, परचेज आइटम, आइटम को हम लोग परचेज करते हैं और उसकी बिलिंग करवाते हैं, बिलिंग करवाते हैं, बिलिंग करवाते समय जो मशीन यूज करता है ना, जिस मशीन से उसकी बिलिंग की जाती है वो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बार कोड रीडर बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपका इनपुट डिवाइस होता है बार कोड रीडर, यानी क्या होता है, स्कैन बाय बार कोड मशीन, बार कोड मशीन के थ्रू क्या होता है, स्कैन कराया जाता है, और जैसे ही स्कैन करेगा तो उससे उस आइटम से रिलेटेड कॉस्ट है ना, उसके मॉनिटर स्क्रीन पे आ जाएगा, है ना, टोटल आपने अमाउंट क्या लिया है ना, टोटल अमाउंट आ जाता है, और उसके साथ साथ, उसके साथ साथ क्या होता है, पर्ची भी निकलती है उसकी, है ना, बिल भी निकलता है, उसके अकॉर्डिंग आपको पेमेंट करना पड़ता है। तो ये आपका जो बारकोड रीडर है ये आपका इनपुट डिवाइस हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, बोलो। अब देखिए इनपुट डिवाइस में और क्या क्या हो सकता है, जैसे मान लीजिए कि माइक हो गया, है ना, माइक आप जानते हो ना, माइक, माइक भी आपका एक इनपुट डिवाइस होता है ना, ये क्या करता है, इनपुट वॉइस, है ना, इनपुट वॉइस इनटू डिजिटल, है ना, डिजिटल फॉर्मेट में इनपुट कराता है, जैसे इनपुट कराएंगे तो क्या होगा, डिजिटल फॉर्मेट में तो कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका माइक हो गया, है ना। फिर उसके बाद से एक होता है MICR, जिसको बोलते हैं मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, MICR बोलते हैं, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। इसका काम क्या होता है, ये भी आपका एक इनपुट डिवाइस होता है, कौन सा डिवाइस होता है, और ये आपके एग्जाम में आता है, इनपुट डिवाइस होता है। ठीक है, इसका वर्ग क्या होता है, यूज्ड इन बैंकिंग सेक्टर, कहाँ पे यूज़ किया जाता है इसको, बैंकिंग सेक्टर में यूज़ किया जाता है। और क्यों यूज़ किया जाता है, तो चेक बॉक्स, चेक बुक जानते होगे ना, चेक बुक, है ना, तो चेक बुक का जो सीरियल नंबर होता है, क्या होता है, सीरियल नंबर होता है, वो किसके थ्रू रीड किया जाता है, आपके MICR
डिवाइस के थ्रू रीड किया जाता है, ठीक है। चेकबुक का जो सीरियल नंबर है वो आपके मैग्नेटिक इंक से बना होता है। सीरियल नंबर जो होता है चेकबुक के नीचे, जैसे मान लीजिए कि ये चेकबुक हो गया है ना, और इसके नीचे ये यहाँ पे सीरियल नंबर दिया रहता है नीचे, तो ये जो नंबर होता है वो आपके मैग्नेटिक इंक से बना होता है, ठीक है। और उसको रीड करने के लिए किसका यूज़ किया जाता है, MICR डिवाइस का यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ये रीड करने का काम हुआ ना। फिर उसके बाद से एक आता है आपका OMR, OMR इसको क्या बोलते हैं, हाँ, ऑप्टिकल मार्कअप रीडर। ये भी आपका क्या होता है, इनपुट डिवाइस होता है। देखिए जब वन डे एग्ज़ाम आप देने जाते हो, ठीक है, तो वहाँ पर आपको OMR शीट मिलता है, ठीक है, OMR शीट बोलते हैं। और रीड बाई OMR डिवाइस, OMR डिवाइस के थ्रू रीड किया जाता है, ठीक है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, रीड कर रहा है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, इनपुट डिवाइस बोलते हैं, ठीक है। तो ये सारे चीज़ आपके इनपुट डिवाइस हो गए। अब आउटपुट डिवाइस की बात करते हैं, ठीक है। तो आउटपुट डिवाइस के बारे में समझ लीजिए, आउटपुट डिवाइस, देखिए आउटपुट डिवाइस में पहला नंबर होता है मॉनिटर। क्या होता है, मॉनिटर होता है। मॉनिटर आपके तीन टाइप के होते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो ये समझेंगे कि मॉनिटर क्या करता है, तो क्या करता है, डिस्प्ले रिजल्ट, यही तो करता है। डिस्प्ले क्या करता है, रिजल्ट, यानी कि ये आउटपुट दे रहा है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, आउटपुट डिवाइस बोलेंगे। अब इसमें सबसे पहला नंबर आया था जो, तो आया था CRT मॉनिटर। पहला जो मॉनिटर आया था CRT मॉनिटर आया था, जिसको बोलते हैं क्या, कैथोड रेज ट्यूब, ठीक है। ये मॉनिटर आया था कैथोड रेज ट्यूब। अब देखिए कैथोड रेज ट्यूब में क्या था कि इसकी पिक्चर क्वालिटी उस समय के लिए, तो इसकी पिक्चर क्वालिटी जब आया था उसके लिए तो ठीक था, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि इसकी पिक्चर क्वालिटी लोगों को समझ भी नहीं आया, और इसमें कुछ अच्छा इन्वेंशन किया गया, ठीक है। नेक्स्ट बनाया गया क्या, LCD है ना। इसके बाद से क्या हुआ, LCD मॉनिटर का यूज किया गया, जिसको बोलते हैं क्या, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ठीक है। ये डिस्प्ले आया मॉनिटर, ये लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले आया, इसमें क्या हुआ, CRT से अच्छी क्वालिटी का पिक्चर शो होने लगा, ठीक है। और CRT से कम आपका इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हुआ, ठीक है, लेकिन इससे थोड़ा सा महंगा हुआ, एक्सपेंसिव आया, ठीक है। फिर उसके बाद से थर्ड नंबर में क्या हुआ, LED आया, ठीक है, लाइट इमिटिंग डायोड बोलते हैं इसको, है ना, क्या बोलते हैं, हाँ, इमिटिंग डायोड बोलते हैं, ठीक है, डायोड बोलते हैं, ठीक है। तो ये लाइट इमिटिंग डायोड आया, इसकी ये तो एक्सपेंसिव हुआ, सबसे पहले क्या हुआ, ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है ना, और उसके बाद से क्या है, इसमें लाइट का कंज्यूमिंग बहुत ही कम होता है, ठीक है, लाइट का कंज्यूमिंग कम होता है, और पिक्चर क्वालिटी HD क्वालिटी दिखाता है, शो करता है। तो ये आपका इतना
आउटपुट डिवाइस हुआ, ठीक है, आउटपुट डिवाइस माने मॉनिटर के अंदर ये इतना पार्ट हुआ। नेक्स्ट आपका आउटपुट डिवाइस होता है प्रिंटर, प्रिंटर, ठीक है। ये प्रिंटर क्या करता है, प्रिंट करता है, क्या करता है, प्रिंट डॉक्यूमेंट, है ना, एज हार्ड कॉपी, हार्ड कॉपी यानी कोई भी डॉक्यूमेंट जो प्रिंट करेगा उसको आप टच भी कर सकते हो, है ना, देख भी सकते हो, तो इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, हार्ड कॉपी। जिसको टच नहीं कर सकते हैं, सिर्फ देख सकते हैं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सॉफ्ट कॉपी बोलेंगे। तो ये प्रिंटर क्या हुआ, आपका प्रिंट करने लगा एज अ हार्ड कॉपी डॉक्यूमेंट, ठीक है। प्रिंटर आपके दो टाइप के होते हैं, पहला नंबर होता है आपका इम्पैक्ट प्रिंटर, क्या बोलते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर बोलते हैं, ठीक है। इम्पैक्ट प्रिंटर आपके जो पहले यूज होता था, है ना, उसको हम लोग बोलते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर, सेम एज टाइप राइटर, सेम एज टाइप राइटर, टाइप राइटर के जैसा ही इस ये वर्क करता था। इम्पैक्ट प्रिंटर में पहला नंबर है, इम्पैक्ट प्रिंटर के जो एग्जांपल है वो है आपका डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, क्या है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। फिर उसके बाद बहुत सारे एग्जांपल आते हैं, डेजी व्हील प्रिंटर होता है, डेजी व्हील प्रिंटर होता है। फिर नेक्स्ट चैन प्रिंटर होता है, ठीक है, अभी कुछ इतना ही आप लोगों को जानना है। ये आपका इम्पैक्ट प्रिंटर का एग्जांपल है। इसमें एग्जाम में पूछ सकता है कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर इज एन एग्जांपल ऑफ डैश, तो किसका होगा, इम्पैक्ट प्रिंटर का होगा, ठीक है। तो ये इम्पैक्ट प्रिंटर में ये प्रिंटर आते हैं। दूसरी बात ये है कि ये आपका जो प्रिंटर है ये स्लोअर होता है स्पीड में, किस में, स्पीड में ये स्लो होता है, ठीक है। दूसरा ये एक्सपेंसिव होता है, जैसे मान लीजिए कि आप कोई भी पेपर प्रिंट कर रहे हो, तो पहले क्या होता था कि एक पेज को यदि हम लोग प्रिंट कराते थे 10 से 15 रुपया लग जाता था, ठीक है। तो हाई कॉस्ट पर पेज के हिसाब से लगता था, ठीक है। फिर उसके बाद नॉइस, यानी कि बहुत आवाज़ करता है ये प्रिंटर, है ना। और उसके बाद ये ब्लैक एंड वाइट, ब्लैक एंड वाइट कॉपी क्या करता है, प्रिंट करता है, ठीक है। तो ये आपका इम्पैक्ट प्रिंटर का हुआ। नेक्स्ट आपका आता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, क्या बोलते हैं, हाँ नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। अब देखिए नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में आपका जैसे इंकजेट प्रिंटर हो गया, इंकजेट प्रिंटर, कौन कौन से प्रिंटर आते हैं वो हम लोग लिखवा दे रहे हैं, है ना, इंकजेट प्रिंटर है, लेजर प्रिंटर है, लेजर प्रिंटर, फिर उसके बाद से टैंक प्रिंटर आता है, टैंक प्रिंटर, फिर उसके बाद से ड्रम प्रिंटर होता है। ये सारे चीज़ आपके नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में आते हैं। अब इसमें इसका एडवांटेज क्या है, तो ये इसका जो स्पीड होता है वो क्या होता है, फास्ट होता है, ठीक है। इसमें नॉइस ज़्यादा नहीं होता है, ठीक है। फिर उसके बाद इसका जो कॉस्ट होता है, लो कॉस्ट
पर पेज है ना, इसमें ज़्यादा कॉस्ट नहीं लगता है, ठीक है। और इसमें क्या कर सकते हैं, ब्लैक एंड वाइट कॉपी प्रिंट करते हैं, और उसके साथ साथ एंड कलर कॉपी भी क्या करते हैं, प्रिंट करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हुआ आपका नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का एग्जांपल, ठीक है। तो ये सारा चीज़ आपका आउटपुट डिवाइस में आया, प्रिंटर भी। फिर उसके बाद से एक होता है प्लॉटर, नेक्स्ट आता है क्या, प्लॉटर। देखिए प्लॉटर क्या करता है, ये भी आपका एक आउटपुट डिवाइस होता है, आउटपुट डिवाइस होता है, ठीक है। अब ये क्या करता है, फ्लैक्स को प्रिंट कराना हो है ना, बैनर को प्रिंट कराना हो, यानी कि जितने बड़े बड़े साइज के पोस्टर होते हैं वो प्रिंट कराने के लिए हम लोग प्लॉटर का यूज करते हैं। ये सेम एज आपका प्रिंटर का ही एक पार्ट है, ठीक है। इसका साइज कुछ इस तरह से होता है, एक कमरे के साइज के अकॉर्डिंग आता है, ये इधर आपका स्टैंड रहता है, इधर भी आपका एक स्टैंड रहता है, ठीक है। और यहाँ से ये प्रिंट करने वाला हेड होता है, इसमें आपका पेपर रहता है, इस तरह से पेपर लटका रहेगा, ठीक है। और इस तरह से ये मूवमेंट करता है, इधर से राइट इधर से लेफ्ट, ये मूवमेंट करता रहता है, ठीक है। फिर जा कर के वो पेपर को प्रिंट करता है, ठीक है। ये स्लोअर होता है क्योंकि बहुत बड़े साइज़ का पेपर को प्रिंट करना होता है। तो ये आपका हुआ प्लॉटर, ठीक है। प्लॉटर आपका एक आउटपुट डिवाइस है, ये भी एग्जाम में आ सकता है आपके। नेक्स्ट आपका है स्पीकर, ठीक है। स्पीकर क्या है, एक आपका आउटपुट डिवाइस है और ये क्या करता है, प्रोड्यूस साउंड को प्रोड्यूस करता है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आउटपुट डिवाइस बोलते हैं। स्पीकर तो बोलते ही हैं, आउटपुट डिवाइस बोलते हैं, ठीक है। तो ये सारे चीज़ आपके आउटपुट डिवाइस में आ जाते हैं, और बहुत सारे चीज़ होते हैं आउटपुट डिवाइस के, आप लोग देख लीजिएगा। आज के लिए क्लास इतना ही, लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा, बहुत बहुत धन्यवाद।